सब्सक्राइब नाउ फॉर ऑल द लेटेस्ट एंड ट्रेंडिंग अपडेट्स। सलमान से डर गए हैं अरमान मलिक। बिग बॉस सीजन 18 से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी खबर आ गई है, चलिए आपको बताते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने इन ट्रेंड न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बिग बॉस OTT सीजन 3 में अरमान मलिक अपनी दोनों पत्नियों के साथ नजर आए थे। मेकर्स को पॉलीगैमी प्रमोट करने पर ट्रॉल भी किया गया था। तीनों में से कोई भी BBOTT नहीं जीत पाया, लेकिन कृतिका ने टॉप 5 में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। अरमान पायल पहले ही एविक्ट हो गए थे। शो खत्म होने के बाद पायल ने अपने ब्लॉग में बताया था कि कृतिका को बिग बॉस सीजन 18 का ऑफर आया है। शो में जाने को लेकर पायल कृतिका लड़ती हुई दिखाई दी थी। खैर, अब पायल ने खुलासा किया है कि मलिक फैमिली से कोई भी बिग बॉस सीजन 18 में नहीं जा रहा है। ऐसा क्यों, इसकी वजह भी एक्ट्रेस ने बताई है। वो कहती हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी हमें प्यार करते हैं, हमें बिग बॉस सीजन 18 में देखना चाहते हैं, लेकिन मेरी पूरी फैमिली में से कोई भी कभी भी बिग बॉस में नहीं जाना चाहता है, क्योंकि वहाँ पर जो अच्छा करता है उसे कोई देखना नहीं चाहता। इंसान को आप व्यक्तिगत तौर पर नहीं देखते, उसकी गेम नहीं देखते, बस ये देखते हो हमारे परिवार में 3 लोग हैं, अरमान ने 2 शादियां की है, तो हमने इसलिए सोचा है हमें किसी भी बिग बॉस का ऑफर आएगा हम नहीं जाएंगे, अगर किसी दूसरे रियलिटी शो का आएगा तो ज़रूर करेंगे। जी हाँ, ये कहा है फिलहाल पायल ने, और हर किसी ने ऑफर ठुकरा दिया है पायल, कृतिका और अरमान ने बिग बॉस सीजन 18 का, ये उनका कहना है। ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। सब्सक्राइब नाउ फॉर ऑल द लेटेस्ट एंड ट्रेंडिंग अपडेट्स।